अभी है, टाइम हो गया आपको? नहीं अब भी है, वो आपको बोला राइट मार रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आगे जाके घुमाया बस। चलिए बस एयरपोर्ट पहुँचा दे जब जल्दी। So it's 6 already and there's this huge line over here for the boarding pass and check-in. So finally took the boarding pass and now I'm going to the gate. Aadha ghanta lag gaya ye sab karne mein. We just landed in Delhi, it's around 9:40 and it's cold but it's bright, you know, see the sun. So we are in Delhi and driver se bhi baat ho gayi, driver bari kada bas samaan lena aur nikal jana, bahut neend aa rahi hai. I was trying to sleep but there was some kind of weird noise in the plane so I couldn't really sleep. So let's see. सोनू भैया मिल गया हमें, जल्दी ही मिल गया। मुझे लग रहा था सामान मिलने में टाइम लगेगा लेकिन दूसरे ही बैग मेरा आ गया, तभी मैं जल्दी बाहर आ गया। हाँ ठीक है, मैं ही वेट कर रहा हूँ। हाँ, he was Mr. Sonu. He is gonna drive us to Amritsar and then everywhere else. Let's see how that man is. So it's 2 or something in the morning. अभी पता चला मुझे कि आज हिंदी डे है, तो आज हम लोग हिंदी दिवस मनाएंगे और हिंदी में बातें करेंगे। एक घंटे सोने के बाद आई फील थोड़ा ओके, रात भर सो नहीं पाया था सही से, पहले काम कर रहा था एंड देन फ्लाइट के लिए पैकिंग एंड एवरीथिंग। तो अब जा रहा हूँ एक बहुत ही पुरानी फ्रेंड से मिलने, स्कूल से जानता हूँ उसे। वी यू नो वी हैव बीन स्टडिंग टुगेदर फ्रॉम स्टैंडर्ड 7th और समथिंग आई थिंक। तो या अभी नंदी नहीं आया ऑफिस से। वन थिंग आई वांटेड टू शो यू ऑल, एक बैचलर के बेड के बगल में लोशन क्यों रहता है? नंदी आई वांट एन आंसर ऑन दिस, व्हेन यू सी दिस यू गॉट टू टेल मी दैट। सो एनीवे आई जस्ट लीव नाउ फ्रॉम द प्लेस एंड आई एम गोइंग टू अ प्लेस कॉल्ड आइजैक न्यूटन, लेट्स सी हाउ दैट इज। अच्छा, अरे यहीं चलना है सिटी सेंटर के पास, मेट्रो स्टेशन सो जाएगा वहाँ पर। सोनू भैया की आँख लग गई थी एंड वो सोच रहा था कि मैं बोल दूँ कि रहने दो मैं चला जाता हूँ, बट देन क्या ही फ़ायदा है यार, वहाँ जाके सो जाएंगे, पार्किंग में तो बैठना होना वैसे भी। सो पाए थोड़ी देर समझ गए, जग ही गए अभी। मैं भी आधे घंटा सो पाया ऊपर, मैं अकेला था जबकि बैठा रहा नींद ही नहीं आ रही थी।
दिस गर्ल हैज रिमूव्ड ऑल ऑफ द चीज यार इससे अच्छा तो तुमसे ब्रेड मंगा लेती फिर उसे एयरपोर्ट छोड़ के आए सुबह 7 बजे सोया हूँ फिर मैं उठा तो मुझे 104 बुखार था ठीक है तो उस दिन मैंने दवा वा खा के ऐसे ही पूरे दिन घर पे पड़ा रहा अगले दिन उठा तो भूख लगी थी सोचा चाय पी लूँ जाकर नीचे कौन बनाया तो नीचे गया सैंडविच के लिए मैंने बोला उसे एंड मैं थोड़ा ऐसे शॉप के आउटर में खड़ा हो गया एंड देन मोटा था मेरे साथ मेरा रूम में मैंने सोला सुनो तो मेरा लेके आ जाना मैं घर जा रहा हूँ और भाई इतना बोला मैं रोड पर गिर गया मुँह के बाल ये देख रही हूँ ये यहाँ पे हल्का सा वो ये पे क्लॉट हो रखा था वो कल हट गया अपने और मैं गिरा उठने उठने छिल गए मेरे और बटवा उठो सब चश्मे पे ऐसा वो आया हुआ है दिस लुक्स गुड राइट और भाई मैं गिर गया मुंह के बल और फिर मैं आँख खुली तो देखा 12-13 लोग खड़े हैं और पानी ऐसे ऐसे छिड़क रहे मेरे ऊपर फिर मैं ऊपर गया देन आई रियलाइज दैट आई एम सीरियसली सिक आफ्टर 4 इयर्स 2015 में तो हम ही लोगों ने न्यू ईयर पे करते 15 मई को थे अरे याद करो मैं नहीं पिया था मुझे याद है हम लोग कहाँ गए थे वो सड़े से रेस्टोरेंट ले गई थी मैं बाहर नहीं गए थे कहीं और गए थे हाँ ये भगवान मुझे कम अच्छा लगा है वो ढीकी दिखता है एकदम मरी हुई वाइफ थी और न्यू ईयर वाली वाइफ तक को नहीं थी।